हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। गुड मॉर्निंग हर महादेव भूषण जी, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। क्या कर रहे हैं मुंबई में इस वक्त, पहुंचे हुए हैं बताएंगे। मुंबई में हम आए हैं, पार्ट टू को लेकर के कुछ डिस्कशन हो रही थी, पहली नहर को सलाम पार्ट टू को लेकर डिस्कशन हो रही थी। और अभी हमने जो बोलबम के गाने गाए हैं सावन में, ज़बरदस्त उसका जो रिस्पांस मिल रहा है, उसको ये भी प्लानिंग लेकर के आगे कुछ अच्छा किया जाए, उसके लेकर हमें मुंबई आए। फिल्म आपकी आई थी पहली नज़र को सलाम, क्या उसका रिस्पॉन्स मिला और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला मुझे दर्शकों का, खास करके युवा वर्ग का। और सिनेमा के संगीत सारे सुपरहिट हुए, टेलर हिट हुए, कॉमेडी सीन्स बहुत ज़्यादा हिट हुए। और आज भी एक ही सिनेमा बना करके लोग मुझे जानते हैं राजरंजीत के नाम से, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। फिल्म में संतोष मिश्रा जी ने निर्देशन किया है, नेक्स्ट पार्ट के उनके साथ ही बना रहे हैं आप? नहीं, नेक्स्ट पार्ट पहली नज़र को सलाम पार्ट टू हम विनय बिहारी जी के साथ उन्हीं के प्रोडक्शन और उन्हीं के निर्देशन में बना रहे हैं। संतोष मिश्रा जी के साथ रब ने बनाया तुझे मेरे लिए और हेलो हम संतोष, ये दो पिक्चर हम कर रहे हैं। सावन में हमने शिवतांडव नृत्य दिखाई के बाबा विनय बिहारी जी के साथ गाया है, उन विनय बिहारी जी ने गाने लिखे थे। और मंत्रों के साथ पहली बार संस्कृत मंत्र के साथ बोलबम में कोई गाना गाया, अच्छा आया, लोगों ने बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दी। गांव में हर जगह गाने बज रहे हैं, हर मंदिरों में बज रहे हैं। आलिया भट्ट से करारी हमारा ब्याह एक हमने फोक बोलबम के लिए गाया बाबा से, दुल्हनिया संगे जाऊंगा, बाबा के दुवरिया, ये भी बहुत अच्छा। वर्षा श्रेष्ठा के साथ हमने डूज गए, विनय बिहारी जी के भी लिखे हुए अच्छे गाने हैं। और आई सावन रुद्री पुजारी, ये चार गाने हमने बोलबम में रिलीज किए हैं और ज़बरदस्त रिस्पांस दर्शकों का मिल रहा है। वीडियो के भी बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहे हैं, ऑडियो के भी अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। एक दुर्गा माँ के लिए अचरा आशीष मैया काहे न बढ़ावे जो हमने गाया है, जिसके सिर्फ ऑडियो रिलीज हुआ, वीडियो अभी हम कमिंग नवरात्र में हम लोग रिलीज करेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं गाना गाया हूँ, ये सिर्फ मैंने युवा वर्ग जो हमारे हैं खास करके भोजपुरी भाषी की, उनकी बातों को मैंने बाबा के सामने रखा है, उनको मैंने आवाज़ दी है ना। हमारी फिलहाल कोई मंशा नहीं है आलिया जी के साथ शादी करने की, लेकिन युवा वर्ग जो चाहता है दिल्ली तमन्ना, जब भी इंडस्ट्री में कोई बड़ी ग्लैमर्स की कोई लड़की अगर आती है तो खास करके बिहार यूपी के युवाओं के दिल धड़कने लगती है। और उन युवाओं की जो बोली होती है वही गाने में बदलते हैं। इससे पहले भी सानिया मिर्जा को लेकर के गाना गाया गया था, जो वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। आलिया भट्ट से करारी मोर बियाह मैंने गाया है और इसको भी दर्शक और खास करके युवा लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, ऐसे फैंस हैं आलिया भट्ट के, जो शादी सही में करना चाहते हैं। ऐसा क्या है कि आप आलिया शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने आप को समझता कि मैं आलिया जी के लायक बिल्कुल नहीं हूँ। आलिया जी की अगर एक बार हमारे मुलाकात हो जाए यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आलिया जी बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, हिंदुस्तान को उनके ऊपर गर्व है और मैं पर्सनली आलिया जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। आलिया जी ने जितने भी सिनेमा आज तक स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लेकर के राजी तक जितने भी मूवी आलिया जी ने अभी तक की है, मैंने सारी मूवी बैक टू बैक उनकी एक एक मूवी छः छः बार सात सात बार मैंने देखी है। आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ आलिया भट्ट। अगर ये वीडियो पे आलिया भट्ट देख रही हैं तो कुछ उनसे कहना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, अगर मैंने जो गाना गाया है अगर आपको बिल्कुल पसंद आया हो तो आप भी लाइक करिए और आप भी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ कमेंट मेरे लिए डालिए। किस चैनल से इस गाने को दर्शक देख सकते हैं? वर्ल्ड वाइड से, वर्ल्ड वाइड कंपनी ने इसको रिलीज किया है यूट्यूब पे और ज़बरदस्त रिस्पांस इसका मिल रहा है। बाबा करा दी आलिया भट्ट संग मोर बियाह, देवघर के रास्ते जाने वाले कांवड़िया बहुत सारे इस गाने पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं और वीडियो भेज रहे हैं मुझे। मैं उन तमाम लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आलिया जी भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों को प्लीज़ आप अपने तरफ से थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर बोल दीजिए। सावन का मौसम चल रहा है, बाबा को भोलेनाथ सबके ऊपर प्रसन्न होते हैं, जो जो उनके पूजा करता है अर्चना करता है, खास करके झारखंड देवघर में बहुत ज़्यादा कंवरिया वहाँ पहुँचते हैं, जो बिहार यूपी दिल्ली कलकत्ता सब जगह से। आप कभी गए हैं वहाँ पर? हाँ बिल्कुल, मैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो सोमनाथ से लेकर के और केदारनाथ तक जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं मैंने सबके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं। अभी भी मैं रामेश्वरम का परसों दर्शन करके आया हूँ, रामेश्वरम से कन्याकुमारी, और बाबा की कृपा से ही आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अपने आप को मानता हूँ। और सावन का पवित्र महीना में बाबा का दर्शन होना बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद क्या नेक्स्ट प्लानिंग है आपका? अभी भी दर्शकों की बहुत सारी डिमांड आई, खास करके युवा वर्ग की,
कि हम आपके मुंह से एक लोकगीत सुनना चाहते हैं, आपने भक्ति के संगीत दिया है, हम लोक संगीत भी आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो विनय बिहारी जी के एक लिखे हुए गाने करिया चश्मा गाल गुलाब, ये गाना लेकर के मैं दर्शकों के बीच बहुत जल्द आ रहा हूँ। पहली बार भोजपुरी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर दो गाने अच्छे अच्छे लेकर आ रहा हूँ। चलो चलो सखिया है राधा जी के बगिया, सखिया झुलवा लगौले बा, को ना नाते कन्हैया हो गाली दी जाए, ये सारे गाने लेकर के हम दर्शकों के बीच बहुत जल्द आ रहे हैं। भोजपुरी हमारी संस्कृति, हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ। मैं बिहार के मिट्टी में पला बढ़ा हूँ, मेरी जन्मभूमि है, मेरी जन्म धरती है, मेरी कर्म भूमि भी बिहार है। तो भोजपुरी संस्कृति आज एक मुकाम हासिल करती है। मुझे लगता है कि 40 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत में ऐसे हैं जो भोजपुरी बोलते भी हैं, भोजपुरी को समझते भी हैं। तो भोजपुरी भाषा आज के डेट में बहुत बड़ी भाषा है, आज भोजपुरी को सम्मान मिल रहा है। रवि किशन जी हो, मनोज तिवारी जी हो, इनको वो पार्लियामेंट को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। बिहार में आया है, सरकारें भी बाढ़ राहत के लेकर के बहुत सारे काम करें, बहुत सारे सामाजिक संगठन भी काम कर रही हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में दर्शकों को कहीं ना कहीं टाइम पास करने के लिए और बोलबम बाबा के आसरा जाने के बारे आस्था की कमी नहीं है, भक्तों की कमी नहीं है, लोग जा ही रहे हैं और गाने सुन ही रहे हैं। रंजीत राज की तरफ से क्या मदद मिल रही है बाढ़ पीड़ितों को? राज रंजीत ने अपने तरफ से फूड पैकेट्स मैंने भिजवाए हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाका है दरभंगा और मधुबनी पंडारक वगैरह का जो इलाका है, हमने फूड पैकेट्स भिजवाए हैं। हमने अपने भी कार्यकर्ता जो चूँकि मैं सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ, हमारे कार्यकर्ता भी गए हैं लोगों को रिलीफ देने में, हमसे जितना हो सकता हमने किया। इससे पहले भी मुजफ्फरपुर में जो बच्चों के मरने की घटना घटी थी उसमें भी हमने ग्लूकोज और जो पाउडर होता है वो पाउडर हमने भिजवाया था, एक डॉक्टर हमारे मित्र हैं उनके द्वारा हमने भिजवाया था और वहाँ भी जाके हमने बच्चों का हालचाल देखा था। तो ऐसे सामाजिक संगठनों से हम लोग जुड़े रहते हैं। खेसारी लाल इस वक्त बिहार में गए थे बाढ़ पीड़ितों को मदद के लिए बांटने के लिए, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, खेसारी जी गए हैं तो बहुत अच्छा काम किया है, जाना ही चाहिए। और जितने भी समाज हम भारत में हम सिनेमा जगत के लोग खास करके ऐसे हैं जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे देश के लोगों की निगाहें हमारे ऊपर होती है, तो इस तरह की घटना दुर्घटना अगर देश के अंदर होती है तो बिल्कुल हमारा दायित्व तो बनता है कि हम सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चले और हमसे जितना बन पड़े भोलेनाथ की कृपा से हम उतना मदद करें लोगों को। रंजीत जी, अभिनय कर रहे थे, ऐसे गाने में कैसे आपको मूड किया चलो गाना गाते हैं? नहीं, मैं अभिनय तो मैं बचपन से करते आ रहा हूँ, चूँकि मैं थिएटर का आर्टिस्ट रहा हूँ। मैंने बहुत सारे मैंने तो गांव में ड्रामा जब होते थे दुर्गा पूजा में तो मैं लड़कियों का रोल करता था। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे मधु के नाम से बुलाते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी में 50 ऐसे मैंने नाटक किए होंगे जिसमें मैं हीरोइन का कैरेक्टर किया हूँ। तो थिएटर तो मैं बचपन से करता रहा हूँ, गायने का शौक भी मेरी बचपन से रही है, लेकिन ऑन रिकॉर्डिंग मैंने कभी लाइव नहीं गाया था। विनय बिहारी जी के साथ इसी तरह मैं बैठा हुआ था कहीं पर, तो मैं एक गाना इसी तरह गुनगुना रहा था। विनय बिहारी जी ने कहा कि बहुत अच्छा आप गाना गा रहे हैं, इसको मैं आप आवाज़ दीजिए और इस गाने को मैं सजाता हूँ। और इस तरह शिव तांडव नृत्य दिखाई के बाबा पहली हमारी शुरुआत थी। जब हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गए, गाना गाने लगे, फिर एक दर्शक वहाँ बैठे थे, उनके डिमांड पे हैं कि भैया हम आलिया भट्ट के बहुत बड़े फैन हैं, हम चाहते हैं आप आलिया भट्ट के लिए एक गाना गाइए। तो फिर विनय बिहारी जी ने आलिया भट्ट से करा दी मोर बिया गाना लिखा और हमने गाया, और हमें बिल्कुल नहीं पता था कि गाना इतना बड़ा धूम मचा देगा, इतना वायरल हो जाएगा। और आज के दिन में राज रंजीत की पहचान सितांडव नृत्य दिखाई के बाबा से है, लेकिन आलिया भट्ट से करा दी मोर बिया बहुत ज़बरदस्त है, चूँकि इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री, पूरा बिहार यूपी भोजपुरी भाषी और हिंदी इंडस्ट्री, बॉलीवुड के भी बहुत सारे लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भेजे हैं कि बहुत अच्छा आपने गाना गाया है, और सब लोगों ने इस गाने को सीरियसली जो होता है और इंटरटेनमेंट के तौर पर लिया। नेक्स्ट किसके साथ फिल्म करना चाहेंगे? अभी तो जो भी हमारे मूवी हो रहे हैं उसमें तो हीरोइन जो भी है वो डायरेक्टर को डिसाइड करना है कि वो किनको लेना चाहते हैं। जो भी हीरोइन होंगे उनके साथ हम अच्छा सजा, हम तो अमरपाली जी के साथ भी काम किए, अंतरा जी के साथ भी काम किए, जो भी अच्छी हीरोइन होंगे उनके साथ काम करेंगे। मुझे किसी के साथ काम करने में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि मैं पार्टिकुलर इसी के साथ काम करूँ। मुझे ऐसा मानना है, मुझे अपना ऐसा लगता है कि मैं रितु जी के साथ मेरी पेयर अच्छी जा सकती है और अंतरा जी के साथ तो मेरी पेयर बनी हुई है, दर्शकों ने सराहा भी है। रितु सिन्हा जी के साथ और निधि झा के साथ काम करने का मौका मिला तो जरूर करूँगा। हाँ बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल मैं उनके बहुत सारे फैन हैं बिहार में, लुलिया और बर्फ की सिल्ली और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं निधि झा जी, उनके साथ बिल्कुल काम करने का मौका मिला। और रितु सिन्हा जी को पर्सनली बहुत सारी, मैं अमरपाली जी, काजल जी, सब लोगों का मैं फैन और सब लोगों के साथ काम करता ही हूँ, सब लोगों से अच्छी रिलेशन है। लेकिन रितु सिन्हा जी के साथ मुझे लगता है, रितु सिंह जी के साथ कि मेरी पेयर बहुत अच्छी जा सकती है, लगा के फेयर लवली
जो उनका पवन सिंह भोजपुरी में अच्छे सिंगर जाने जाते हैं, उनसे कुछ आप सीखते हैं? बिल्कुल सीखता, पवन सिंह जी जी जितना अच्छा गाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा वो हारमोनियम बजाते हैं, हारमोनियम पे जो वो गाते हैं तो सही में लगता है माँ सरस्वती उनके कंठ पे विराजती हैं। और पवन सिंह जी का 25% हम लोगों को मिल जाए तो हम लोगों का जीवन धन्य हो जाए, मेरा अपना मानना है। पवन जी के सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा आपको अच्छा लगता है? पवन जी के सारे गाने मुझे सुपर डुपर हिट लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी गाना जो सबसे ज़्यादा मैं अगर सुनता हूँ तो माई डोली चढ़ी चले जिस सेवा के घर हवा वही डोलिया के बखवा कहा, ये गाना मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट गाना है उनका पवन जी का। और पवन सिंह सबसे अच्छी फिल्म आपको कौन सी? पवन सिंह की सबसे अगर अच्छी फिल्म आज तक मुझे कोई लगी है तो गदर लगी, गदर जबरदस्त पिक्चर है उनकी, मैं सैल्यूट करता हूँ पवन सिंह जी की एक्टिंग की, एक्शन की, और बाकी और भी सिनेमा मैंने उनकी देखी है, बहुत सारी अच्छी है, सत्या भी देखी है, सरकार राज भी देखी है, लेकिन गदर मुझे पर्सनली बहुत अच्छी है। चलिए अमरपाली और दिनेश जी के ऊपर हम आते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे परफेक्ट जोड़ी, पर्सनल प्रोफेशनल एक अच्छे दोस्त के नाते बहुत अच्छे मृदुलभाषी हैं, और मेरा पर्सनली अमरपाली जी और दिनेश जी के साथ बहुत अच्छे संबंध है, प्रोफेशनल भी पर्सनल भी, और उनकी जोड़ी माइंड ब्लोइंग, मुझे लगता है हिंदी इंडस्ट्री में जितेंद्र जी और श्रीदेवी जी की जोड़ी जितनी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी एक ज़माने में, शायद हम लोग का जन्म ही नहीं हुआ होगा उस समय, लेकिन सुनते आ रहे हैं, मुझे लगता है आज की डेट में आज की युवा जनरेशन में अमरपाली जी और दिनेश जी की जोड़ी को उसी उदाहरण से हम दे सकते हैं। जाते जाते जरा एक गाना सुना दीजिए जो सबसे अच्छा लगा, बोल आपने जो गाया है। बोल बम जाए खातिर उठल बमन में गजा बेला हरिया हो गजा बेला हरिया, दुल्हनिया संगे जाऊंगा दुल्हनिया संगे जाऊंगा, मैं बाबा के दुअरिया बाबा भोले पे जलवा चढ़ाऊंगा चारो सुमरिया बाबा भोले पे जलवा चढ़ाऊंगा। ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना, है ना, क्योंकि साफ सुथरी गाने हैं, एक पति पत्नी का डुइट है, जो वाइफ हस्बैंड बोलबम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं उसके ऊपर हमने ये गाना गाया, और इसको गाने को मुझे भी नहीं पता था युवाओं का इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा। आलिया भट्ट के लिए हमको लगता था कि आलिया भट्ट के नाम है तो आलिया भट्ट के गाने बहुत ज़्यादा बजेंगे, शिव तांडव में म्यूजिक उस तरह का है, संस्कृत का उच्चारण है, विनय बिहारी जी खुद गाए हैं, उस गाने को रिस्पांस मिलेगा, लेकिन ये गाना मैं सिंगर गाया हूँ दुल्हनिया संगे जाऊँगा, लेकिन इस गाने को भी युवा वर्ग ने मुझे बहुत सारे वीडियो भेजे हैं, बहुत सारे लड़के लाइक पे इसको बना बना के वीडियो भेज रहे हैं, और ये गाना ज़बरदस्त ऑसम जो सोचा नहीं था उससे ज़्यादा अच्छा। बिहार में कहाँ का मतलब पढ़ाई के कहाँ से? मेरी जन्म धरती मुजफ्फरपुर है, मैंने मुजफ्फरपुर के LS कॉलेज से अपनी शिक्षा दीक्षा ली है, फिर बाद में मैं दिल्ली आ गया था, दिल्ली से आने के बाद फिर पटना आया, पटना में अपना कारोबार चलता है, जन्म धरती हमारी बिहार में मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर के लिचिया खिया बाल माह, बंदनी जी ने गाना, मैं मुझे लगता है मेरे जन्म से पहले इस गाने को बंदनी जी पे फिल्माया जा चुका है। मुजफ्फरपुर की लीची बहुत फेमस होती है, मुजफ्फरपुर की लीची देश से बाहर भी जाती है, मॉरिशस वगैरह राष्ट्रपति भवन भी आती है, और मुजफ्फरपुर को शाही लीची के नाम से लोग जानते हैं, है ना। नेक्स्ट सॉन्ग आपका कब आ रहा है बताइए? मैं अभी इसी महीने सावन के महीने में कृष्ण जन्माष्टमी के लिए दो गाने लेकर आ रहा हूँ, चलो चलो सखिया है राधा जी के बगिया, और कोना नाते कन्हैया हो गाड़ी दिए जाए, और फिर सावन पूर्णिमा को हमारी एक लोकगीत पहली लोकगीत आ रही है दर्शकों के बीच, करिया चश्मा गाल गुलाबी झुमका दोनों कान में, ये गाना लेकर के मैं आ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि युवा वर्ग को खास करके माता बहनों को दर्शकों को बहुत ज़बरदस्त ऑसम 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 समझ लेगा, चूँकि मेरा ये मानना है मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ मैं बिहार का बेटा भी हूँ, मैंने बिहार की धरती में पला बढ़ा है, हमारी जो संस्कृति है हमारी संस्कृति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, भोजपुरी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ कुछ असली गानों के रचयिता राइटर्स कुछ सिंगर्स हैं जो रातों रात लोकप्रियता चाहने के चक्कर में असली गाने गा देते हैं, जिससे आज हमारी भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। हमें नहीं कह रहे कि मैं भोजपुरी को बदल दूंगा, लेकिन हम एक सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, हम एक सिंगर के तौर पर एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर प्रयास जरूर करेंगे कि भोजपुरी में अच्छी गाने आए, लोकगीत हो या कोई भी संगीत हो, गाने अच्छे आए और लोगों को कर्णप्रिय लगे, ये हम कोशिश करेंगे, और पहली बार असली मुक्त एक भोजपुरी गाना करिया चश्मा लोगों के बीच लेकर हम आते हैं। फिल्में किए हैं एल्बम तो हजारों हैं, उनके बारे में क्या कुछ आपकी राय है? विनय बिहारी
जी 20,000 से ज़्यादा गाने भोजपुरी के लिख चुके हैं, ये हम सबको पता है। 700 से ज़्यादा फिल्मों को म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके हैं, 6-7 फिल्मों उन्होंने एज ए डायरेक्टर भी डायरेक्ट किया है। विनय बिहारी जी आज 9-10 साल से आज बिहार के लौरिया विधानसभा से विधायक भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई आदमी विधानसभा में पहुंचा, वो भी निर्दलीय जीत करके। विनय बिहारी जी जितने अच्छे राइटर हैं, जितने अच्छे डायरेक्टर हैं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे, मेरा अपना मानना है, एक बहुत ही अच्छे मृदुलभाषी, अच्छे विचारों वाले एक इंसान भी हैं। और मैं विनय बिहारी जी को हमेशा से प्रणाम 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 करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी पार्लियामेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा अपना मानना है कि विनय बिहारी जी का बहुत बड़ा योगदान है। विनय बिहारी जी ने पहली बार राजनीति में भोजपुरी लोगों के लिए रास्ते खोले थे, ये मेरा सोच है। और विनय बिहारी जी एक सफल राइटर हैं भारत की, खास करके भोजपुरी इंडस्ट्री। दर्शकों को बस इतना कहना चाहें कि अगर हमार गाना रोड पसंद आवता है तो जरूर लाइक करी, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट दी। जो चैनल हमार गाना लॉन्च कर रहा बा, चाहे वेब भी कर रहा बा, वर्ल्ड वाइड भी कर रहा बा, आने वाले समय में और भी बड़ी कंपनी लॉन्च करी, तो कंपनी के अगर अपने के गाना और भी ज़्यादा सुने को तो कंपनी के भी चैनल के सब्सक्राइब करी, और कोशिश करी कि बिहार में एक अच्छा माहौल बने, एक साफ सुथरी। और हम मनोज तिवारी जी वाले पैटर्न को लेकर चल रहे हैं, जब मनोज तिवारी जी आए थे बगल वाली जान मारे ली, ऊपर वाली के चक्कर में, ऐसे ऐसे गाने, शहर के तितली होके मोटर पे सवार, ऐसे गाने जब आए थे बिहार में, तो एक नया कल्चर, नया भोजपुरी पैदा हुआ था और एक नए संगीत का माहौल आया था। अभी पिछले 6-7 सालों में इतनी ज़्यादा अश्लील गाने लोगों ने गा दिए हैं कि अच्छे परिवार में भोजपुरी संगीत नहीं बजते। हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम बदल देंगे, लेकिन हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि फिर से मनोज तिवारी वाला वो दौर बिहार में लाया जाए, एक साफ सुथरी छवि गाने, संगीत, अच्छे गाने, अच्छे बोल विचारों वाले गाने लाए जाए और दर्शकों के पास भेजे जाए, और हर घर में ये गाना बजे। मैं अपने आप को समझूंगा, मैं तभी सफल हूँ कि मेरे गाने परिवार के लोग बैठ के एक साथ सुन सके, और यही मेरी सबसे बड़ी सफलता। मनोज जी के गाने गाएंगे? मनोज जी के सारे गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ऊपर वाली के चक्कर में लड़का खूब पिटाइल बा, लड़की के हौ पहला प्रेमी आशिक लेके आइल बा, कम से कम 500 बार बगल वाली पे। सरस्वती पूजा जब बचपन में करते थे हम लोग स्टूडेंट लोग, तो बगल वाली गाना रात भर हम लोग बजा करके डांस करते थे। नए नए अवसर मनोज जी गाना आया था, तो ये सब पूरब का बेटा के सारे गाने मुझे याद हैं और सारे गाने जबरदस्त हिट हैं। तो मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी हैं, सैल्यूट है उनको। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।